हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से नए आइडियाज, मोटिवेशन, अर्न मनी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, पब्लिसिटी आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस करने वालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बेडिंग ब्यूटी पार्लर की। छोटे शहरों में तो साधारण ब्यूटी पार्लर में ही हर तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ दुल्हन का मेकअप भी किया जाता है, लेकिन बेडिंग ब्यूटी पार्लर में सिर्फ शादी से पहले युवती की ब्यूटी ग्रूमिंग और पर्सनलिटी ग्रूमिंग की जाती है। दुनिया में सभी परफेक्ट नहीं होते हैं, सभी में कोई ना कोई कमी होती है। इसी तरह से एक युवती के सौंदर्य में भी कोई ना कोई कमी होती है, उस कमी को दूर करना ही बेडिंग ब्यूटी पार्लर का काम होता है। बेडिंग ब्यूटी पार्लर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बड़े शहरों में इसकी डिमांड इतनी है कि कई माह पहले से ही इसकी यहाँ बुकिंग शुरू हो जाती है। इसके प्रचार प्रसार की वजह से अब छोटे शहरों में भी वेडिंग ब्यूटी पार्लर की डिमांड होने लगी है। आप जानना चाहते हैं वेडिंग ब्यूटी पार्लर क्या है, ये कैसे शुरू किया जा सकता है और इससे कितनी कमाई हो सकती है, तो आइए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वेडिंग ब्यूटी पार्लर बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। कमाई की कोई निश्चित सीमा नहीं है। शुरुआत में भले ही कस्टमरों की संख्या कम होगी, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर की संख्या बढ़ेगी, इनकम का आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर युवती शादी के समय कुछ खास दिखना चाहती है, खासकर हाई मिडिल क्लास फैमिली और हाई क्लास फैमिली की युवतियाँ। ऐसे परिवार वाले अपनी बेटी की शादी के लिए काफी चिंतित भी होते हैं। बेटी की किसी तरह की कोई कमी होने पर वो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके लिए अच्छा पर्स ढूंढ सके। जब युवतियों को बेडिंग ब्यूटी पार्लर की जानकारी मिलेगी, तो वे आकर अपने आप को ग्रूमिंग करवाना चाहेंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वेडिंग ब्यूटी पार्लर के बारे में। वेडिंग ब्यूटी पार्लर क्या है? वेडिंग ब्यूटी पार्लर वह जगह होती है जहां दुल्हन का सिर्फ मेकअप ही नहीं किया जाता है, बल्कि यहां दुल्हन को शादी से पहले ब्यूटी और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड को कॉम्पिटिशन के पहले तैयार किया जाता है। दुल्हन का शादी से कई माह पहले से उसकी ब्यूटी और पर्सनैलिटी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। यह टाइमिंग कम या ज्यादा हो सकती है, जैसे कि किसी युवती में ब्यूटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में 1 माह का समय लग सकता है, तो किसी युवती को ब्यूटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए 6 माह का समय। यह टाइमिंग युवती की जरूरत के हिसाब से होता है, इसी आधार पर उनसे चार्ज लिया जाता है। आइए आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। मान लो किसी युवती का वजन सामान्य वजन से अधिक है, उसका वजन को सामान्य वजन में लाने के लिए 2 से 6 माह का समय लग सकता है। इसी तरह किसी के चेहरे पर मुहासे हैं या चेहरे पर झाइया या दाग धब्बे, ऐसी महिलाओं को ब्यूटी ट्रीटमेंट द्वारा पूरी तरह से ठीक होने में कई माह लग सकते हैं। इसी तरह से किसी की नाक मोटी है या दांतों में किसी तरह का डिफेक्ट है, उन्हें ठीक होने में कई माह का समय लग सकता है। यदि युवती पूरी तरह से सामान्य है, उसका वजन भी सामान्य है, तो उसकी ग्रूमिंग में मात्र 1 माह का समय ही लगेगा। यानी बेडिंग ब्यूटी पार्लर में आने वाली युवती के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे कितना समय लगेगा। यह तो थी समय की बात। अब बात करते हैं बेडिंग ब्यूटी पार्लर में कौन कौन सी सर्विस दी जाती है। एक वेडिंग ब्यूटी पार्लर में युवती की ब्यूटी ग्रूमिंग के लिए उसके हेयर यानी सिर के बालों से शुरुआत करते हैं। यदि उसके बाल रुके हैं, तो उसे ट्रीटमेंट देकर कोमल, काले, घने और स्वस्थ और आकर्षक बनाया जाता है। उसके बाद आता है युवती का वजन। यदि युवती का वजन सामान्य है तो कोई बात नहीं। यदि युवती का वजन सामान्य से कुछ अधिक है या उसके डाइट को कंट्रोल करने के लिए योगा या एक्सरसाइज के साथ साथ एक डाइट चार्ट बनाना होगा। तीसरे नंबर पर आता है युवती का फेस यानी चेहरा। युवती के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है तो ठीक है। यदि युवती के चेहरे पर मुहासे हैं या झाइया या फिर कोई दाग धब्बे, तो इसे दूर करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से यदि नाक मोटी है या चपटी है, तो उसे आकर्षक बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई जाती है। दांत उबड़ खाबड़ है, तो उसे सही करने के लिए डेंटल ट्रीटमेंट दी जाती है। अंत में आता है युवती के उठने, बैठने, बोलने और चलने के अंदाज को निखारना यानी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। बेडिंग ब्यूटी पार्लर में सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट का ही काम नहीं होता है, ये एक टीम वर्क है जिसमें ब्यूटिशियन, दांतों और नाक की सर्जरी के लिए सर्जन, जिम ट्रेनर, योगा मास्टर, डाइटिशियन आदि होते हैं। बेडिंग ब्यूटी पार्लर में एक अहम रोल फैशन डिजाइनर का भी होता है, जो युवती के रंग रूप के हिसाब से ड्रेस तैयार करता है। आप सभी जान चुके हैं कि एक वेडिंग ब्यूटी पार्लर में युवती की ग्रूमिंग के लिए कौन कौन से ब्यूटी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अब आते हैं वेडिंग ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे।
वेडिंग ब्यूटी पार्लर बिजनेस को कोई भी स्त्री या पुरुष शुरू कर सकता है, भले ही उन्होंने किसी तरह का कोई भी कोर्स किया हो या ना किया हो, ना ही उनके पास कोई डिग्री है, फिर भी वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो अपने साथ ब्यूटीशियन, कॉस्मेटिक सर्जन, डेंटिस्ट, योगा मास्टर, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, फैशन डिजाइनर, पर्सनैलिटी डेवलपर को हायर करके वेडिंग ब्यूटी पार्लर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शहर के प्राइम लोकेशन में वेडिंग ब्यूटी पार्लर का ऑफिस होगा तो अच्छी बात है। यदि प्राइम लोकेशन पर नहीं है तो ऐसे जगह का चुनाव करें जो शहर, यदि आप ब्यूटीशियन या फिटनेस ट्रेनर या सर्जन तो भी आप अन्य संबंधित एक्सपर्टों को जोड़कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शहर के प्राइम लोकेशन में वेडिंग ब्यूटी पार्लर का ऑफिस होगा तो अच्छी बात है। यदि प्राइम लोकेशन पर नहीं है तो ऐसे जगह का चुनाव करें जो शहर के पॉश कॉलोनी के आसपास है। वेडिंग ब्यूटी पार्लर की फुल पब्लिसिटी करें। पब्लिसिटी के लिए हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर, लोकल चैनल और रेडियो में ऐड दें। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पंपलेट छपवाएं और इसे शहर में बंटवाएं। वेडिंग ब्यूटी पार्लर के नाम से एक वेबसाइट बनाएं। इसमें शादी से पहले युवती की ब्यूटी ग्रूमिंग और पंसती ग्रूमिंग के बारे में पूरी जानकारी दें। वेडिंग ब्यूटी पार्लर का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालें ताकि लोग फोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकें। वेडिंग ब्यूटी पार्लर को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं या फिर युवतियों के फोटोग्राफ्स मंगवाकर उन्हें सलाह दे सकते हैं। उनकी ग्रूमिंग किस तरह से की जा सकती है, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा और ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा आदि सभी बातों की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। वेडिंग ब्यूटी पार्लर बिजनेस में ध्यान रखें, किसी युवती की शादी है और वो अपनी ब्यूटी और पर्सनलिटी ग्रूमिंग करवानी चाहती है। यदि युवती दिखने में सामान्य है तो एक माह पहले से क्लास शुरू कर सकते हैं। यदि युवती में किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी की आवश्यकता है और वो सर्जरी करवाना चाहती है या अपने वजन को कम करना चाहती है तो उसके लिए कम से कम 3 से 6 माह का समय ले, इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य हो जाए। दूसरी जो बात ध्यान में रखनी वो युवती का वजन यानी मोटापा। यदि युवती काफी मोटी है और उसका वजन सामान्य से काफी अधिक है, ऐसी युवती का मोटापा और वजन 3 से 6 माह में सामान्य होना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में युवती से झूठ ना बोले, उसे वास्तविकता से परिचय करवाए कि उसका मोटापा और वजन कम हो सकता है लेकिन पूरी तरह से इतने कम समय में सामान्य होना मुश्किल है। तीसरी बात ध्यान में रखें, किसी युवती के त्वचा का रंग यदि काला या सांवला है तो उसे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से गोरा नहीं बना सकते हैं। इसके लिए किसी को झांसे में ना रखें, इससे ब्यूटी पार्लर के रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। वेडिंग ब्यूटी पार्लर में युवतियों की ब्यूटी और पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की जाती है ताकि वो दिखने में और भी सुंदर और आकर्षक लगे, उसके उठने बैठने और चलने के तरीके में आत्मविश्वास झलके, उसके बोलने का अंदाज भी आकर्षक हो। फ्रेंड्स, हर बिजनेस की तरह वेडिंग ब्यूटी पार्लर की भी भरपूर पब्लिसिटी या मार्केटिंग की जाए तो इस बिजनेस से अच्छी इनकम की जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।